गलत है आप बताइए। मेरे को सिर्फ गलत यही लगता है कि मेरे धर्म के बारे में मत बोलो बस। पर धर्म आगे कैसे बढ़ेगा? रिलीजन, रिलीजन तो बोलोगे तो अच्छा कुछ तो बोलो ना, अच्छा बोलो। देखिए भैया, और कोई कम्युनिटी के बारे में आप लोग बोलने से पहले आप लोगों की फट्टी है क्या? हिंदुस्तानी जी, हिंदुस्तानी भाऊ जी, हाँ, और कौन से कम्युनिटी के बारे में बोलने से पहले आप लोगों की फट्टी है क्या? बोलिए सर। आप उन लोग के बारे में क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। प्यार मोहब्बत नहीं समझते इन लोग को, तो इन लोग को मारना पड़ेगा मादरचोदों को। आपको मैं बुद्ध की कहानी सुनाता हूँ। नहीं, मेरे को कहानी नहीं सुननी है। देखो भाई, मैं अभी बात बोल रहा हूँ, कहानी भी नहीं मेरे को मत सुनाओ। मैं सौ बात की एक बोलता हूँ कि आपको जो मेरे खिलाफ एक्शन लेना है आप लोग ले सकते हैं। मेरे को ये कहानी भाई नहीं मत सुनाओ। मैं सौ बात की एक बात, आज के बाद अगर कुछ धर्म के बारे में कोई बोलेगा मैं उसकी गांड मार दूंगा। तो धर्म आगे कैसे बढ़ेगा? धर्म धर्म अच्छी बात करके भी आगे बढ़ता है, गलत बात करके नहीं आगे बढ़ता है। पर मैं बोल रहा हूँ धर्म को, धर्म धर्म अच्छी बातें बताओ ना लोगों को, धर्म की अच्छी बातें बताओ। धर्म के बारे में वही तो, तुम धर्म को कॉमेडी करके बनाएगा मेरे भाई साहब। राजा राम मोहन रॉय ने, अरे वो छोड़ो रे, मैं नहीं जानता इन लोग कौन है। मैं सौ बात की एक बात बोलता हूँ, धर्म का मजाक उड़ाने के बाद धर्म आगे बढ़ता है क्या? इनको आपको आपको चटका क्यों लगा? आपने धर्म के बारे में गलत बोला है क्या? नहीं बोला, नहीं बोला है या नहीं, ये जवाब दो मेरे को। आपने बोला है या नहीं बोला? अरे भाई, अरे सौ बात की एक बात कामरा, सौ बात की एक बात, आपने धर्म के बारे में गलत बोला है या नहीं ये बताओ मेरे को। ये फंस गया, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कौन से धर्म के बारे में? हिंदू धर्म के बारे में आपने गलत बोला है या नहीं ये बताओ। एक सेकेंड, बोला है या नहीं? और क्या? अरे हाँ या ना में नहीं होता ना। हाँ या ना की बात ही अभी नहीं, आपने बोला ना भाई मेरे को गाली दिया आपने, तो आपको मैं पूछता हूँ आपने बोला है क्या? मैं तो क्या बोलता हूँ, मैंने बोला, बोला ना, आपको लग रहा है ना मैंने बोला है? मेरे खिलाफ जाके एफ आई आर करो, एफ आई आर करो मेरे खिलाफ भाई। एक धार्मिक आदमी दूसरे धार्मिक आदमी को क्या पुलिस स्टेशन ले जाए? ये धर्म हमें सिखाता है। ओह माय गॉड, वाओ। धर्म हमें क्या सिखाता है? ये तो धर्म नहीं सिखाता कि एक धार्मिक आदमी दूसरे से झगड़ा करे। तो हिंदू धर्म ये सिखाता है, हिंदू धर्म ये सिखाता है कि एक हिंदू एक अपने हिंदू भगवानों की मजाक उड़ाए, ये सिखाता है? सिखाता है क्या? ये भी नहीं सिखाता है, ये भी नहीं सिखाता है, नहीं सिखाता है ना। तो ये याद रखो, फिर खाना खाते ना, गुने खाते ना, खाना खाते ना, खाना तो सभी खाते हैं, खाते हैं ना, तो फिर हाँ। फिर सोचने का रहता है, कुछ भी करने से पहला सोचने का रहता है। देखो जो लोग नहीं सोच रहे ना उनके खिलाफ आप मारपीट मत, मारपीट की बात नहीं। गांड मार दूंगा मैं, अभी बस हो गया, अभी बस हो गया, अभी गांड मार दूंगा मैं। जो भी मेरे धर्म के खिलाफ बोलेगा, जो भी रिलीजन के ऊपर बोलेगा उसकी गांड मार दूंगा मैं। मेरे खिलाफ जिसको जितने एफआईआर करना है कर सकता है, रिकॉर्डिंग डाल दो यूट्यूब पे डाल देगा। मैं बोल रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ डाल देने का, समझा? क्योंकि आप लोगों की फितरत वही है। मैं आपसे आदर से बात कर रहा हूँ, मैं आदर बिदर ना, स्टार्टिंग में बहुत आदर से बात किया मैं, मगर आप फिर भी नहीं समझते ना, तो मेरे को आदर बिदर ज्यादा समझ में नहीं आते फिर, समझा? आपको जो करना है कर लो, मनन वापस बात नहीं करवाना मेरा, तेरी इज्जत किया, छोटा भाई है इसके लिए बात किया मैं, वापस बात नहीं करना, इनको बोला जो मेरा उखाड़ना उखाड़ लो। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो, ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। आज की अभी अभी की न्यूज़ है कि हिंदुस्तानी भाव का इंस्टाग्राम अकाउंट हटा दिया गया है इंस्टाग्राम के द्वारा। अब क्यों? कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया और कुछ लोगों में सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे कुणाल कामरा भाई साहब। ये अभी कुछ दिन पहले, दो दिन हुआ शायद, हिंदुस्तानी भाव से इन्होंने कम 10-15 मिनट बात की, खूब गाली खाई
और आप चाहें तो उनके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, नहीं तो वो वीडियो मैंने डाउनलोड कर लिए, एक्चुअली है वो ऑडियो मैंने डाउनलोड कर लिए, अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी और वो अगर ऑडियो वहाँ से हट गई होगी तो मैं अपने चैनल पर भी डाल दूंगा। तो खूब गाली खाए, मेरी आत्मा को पूरी तृप्ति मिल गई कि अगर मैं भी होता और कुणाल कामरा से बात होती तो मैं इससे 10 गुना ज़्यादा ही करी आता उसको, उससे ज़्यादा वो डिज़र्व नहीं करता। पहली चीज़, इतना पाखंडी आदमी है, इसने सबसे पहले मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से कंप्लेन की ट्विटर के द्वारा। लिखता क्या है ये आप देखिए, स्क्रीनशॉट भी पढ़ सकते हैं। ये लिखता है कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख और मुंबई पुलिस कॉलिंग फॉर ओपन वायलेंस इज़ अ क्राइम, दिस इज़ अ मॉब बिल्डिंग एंड हेट स्प्रेडिंग एक्सरसाइज। तो ये दल्ला क्या करता है, ये जो कामरा नाम का कुत्ता है हमारे पास, जो हमारे देश में गंदगी फैलाने के अलावा और कुछ नहीं करता और समय समय पर बिल से बाहर निकलता है। अब उसने कुत्ता, कुत्ता नहीं, कुत्ता चूहा भेड़िया सब कुछ है, इसके ऊपर हर उस जानवर का टैग सूट करता है जो हमेशा गंदगी फैलाने के लिए जाने जाते हैं, दोहरा चेहरा दिखाने के लिए जाने जाते हैं, ये उस तरह का जानवर है। खैर, तो अब इसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। आगे लिखता है, दिस इज डीपली अलार्मिंग, कुड लीड टू वायलेंस एंड एन आर्टिस्ट नॉट गेटिंग ड्यू प्रोसेस रिमार्क्स लाइक सिस्टम साइड में आर एन इंसल्टिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बहुत, इस ट्वीट के थ्रू ये इतना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की कोशिश कर रहा है, और अगले ही क्षण अगर आप इसकी वीडियो देखेंगे तो ये हर चीज़ को, इस कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, आप जो रही बात हारमोनी की और वायलेंस की, इन सबको ये तहस नहस कर देता है। ऐसे दो कौड़ी के पाखंडी हिपोक्रेट लेफ्टिस्ट माओविस्ट दंगाइयों से आप लोग भी बचकर ना करिए। और जैसा इसने भाव की वीडियो के साथ किया और जैसा इसने भाव के इंस्टाग्राम अकाउंट को हटवा के किया, जाहिर सी बात है इसका बहुत बड़ा हाथ रहा होगा, क्योंकि बहुत गाली खाया था और गाली खाने के बाद ही इसने अपनी, जब कुत्ते के पूंछ पे अगर आप पैर रखते हैं तो कुत्ता छटपटाता है और आपके पैर को काटता है, उसी तरीके से जब हाथी का पैर पड़ा कुत्ते की पूंछ पे तो कुत्ते ने मुड़ के काटा। अब काटने से कुछ खास नुकसान होगा नहीं, उन्होंने हमेशा कहा कि सब सोशल मीडिया पैसा कमाने के लिए या फेम बटोरने के लिए तो है नहीं, बस वो है जनता पसंद करती है तो जनता फॉलो करती है, ऑफिशियल टिक मिला हुआ, अगला फिर आएगा वो फिर अपने आप को पब्लिक में इंट्रोड्यूस कराएगा, फिर जनता पसंद करेगी, एक्सेप्ट करेगी। लेकिन इन दलों का अगर वजूद हट गया, इनका यूट्यूब अकाउंट, इनका ट्विटर, इनका फेसबुक, इनका इंस्टाग्राम, इनका समाज में बहिष्कार होने लग गया, तो ये दोबारा कभी अपना चेहरा दिखा नहीं पाएंगे समाज में। हाँ, इनका वो पर्टिकुलर दल इनको पसंद करेगा जब ये देश के अगेंस्ट हागना शुरू करेंगे, लेकिन एक जो मेजॉरिटी की जनता है जो सिर्फ न्यूट्रली बस कैसे भी जुड़ गई थी, वो दोबारा इससे जुड़ने वाली नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी वीडियोस पे भी आप जाके रिपोर्ट करिए, इसके खिलाफ ढूंढ ढूंढ के कि ये क्या गलत बोलता है, और आपको हर वीडियो में कई लाइनें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हैं, तो आप इसके खिलाफ भी कंप्लेन किया करिए। और रही बात भाव के स्टेटमेंट्स की, भाव की वीडियो की, मैंने भी देखी पूरी वीडियो, और जो इसने भाव से बात की मैंने भी सुनी। भाव से बात करते वक्त तो इसका पूरा ऐसा रहता है जैसे पैंट गीली हो जाती है और शब्द नहीं होते हैं, तो जैसे फटी पड़ी रहती है। तो जब भाव ने पूछा कि क्या दूसरी कम्युनिटीज़ के बारे में बोलने में आपकी फटती है क्या, तो शांत था पूरा, साइलेंट था, इसका कोई शब्द नहीं थे। और भाव ने जब बोला कि जब इसने पूछा, सरप्राइजिंगली जब इसने पूछा कि आप क्या कॉमेडियंस को मारेंगे, तो भाव ने बोला कि मैंने बोला कि जो हिंदू धर्म के बारे में बुरा बोलेगा उनको मारेंगे, ठीक, मैं भी सहमत हूँ। तो भाव ने पलट के पूछा कि क्या आप हिंदू धर्म के बारे में बुरा बोलते हैं, 2-3 बार पूछा, वो चुप था, वो ना बोलने के लिए भी नहीं था, नहीं मैं हिंदू धर्म के बारे में बुरा नहीं बोलता, वो चुप था, वो ये जानता है कि वो जलील करता है। तो सबसे पहली बात तो उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया लाइव ऑडियो कॉल पे कि भैया मैं खुद हिंदू धर्म को इंसल्ट करता हूँ, सेंटिमेंट्स को हर्ट करता हूँ, तो सबसे पहले कार्रवाई तो इसके ऊपर होनी चाहिए। तो अभी जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे लोगों के वीडियोस पे, ऑडियो क्लिप्स पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे क्या रिस्पॉन्स देना है, क्या रिएक्शन देना है, आप भी देखिए, आप भी किया करिए। और मुझे जनता से ये उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो अगर शेयर हो, और शेयर ना भी करना है आपको, तो एक आप अपने मन से एक थॉट शेयर करिए अपने जितने भी जानने वाले हैं कि इसका भी इंस्टाग्राम अकाउंट हटे अगले 2 दिन के अंदर। अगर आपको लगता है कि भाव के साथ गलत हुआ इसकी वजह से उनका इंस्टाग्राम हट गया, तो आप भी इसका इंस्टाग्राम अकाउंट हटाने में एडी से लेकर चोटी का जोर लगाइए, और नहीं तो इसको एहसास दिला दीजिए ट्विटर पे, यूट्यूब पे, जहां भी, कि इसने जो किया उसका इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो, ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।